परिधि बटा व्यास, ये होता है पाई के बराबर। किसके बराबर? पाई के बराबर। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, व्यास को पाई से गुणा कर देंगे और एक को परिधि से गुणा कर देंगे। तो परिधि बराबर व्यास गुणा पाई। व्यास क्या है? व्यास होता है 2R। ठीक है, तो 2R को गुणा करेंगे किससे? पाई से। तो ये हो जाएगा 2πR, मतलब वृत्त की परिधि जो होगी, वृत्त की परिधि ये हो जाएगी 2πR। ठीक है, ये हो गई वृत्त की परिधि। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल जानेंगे। ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या दी गई है R। ठीक है, OA जो है, अब इसका क्षेत्रफल मतलब ये जो खाली क्षेत्र है अंदर का, ये वाला पूरा क्षेत्रफल कितना है, समतलीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि 1/2 को हम गुणा करते हैं परिधि से। किससे? परिधि से, और उसे गुणा करते हैं त्रिज्या से। तो यहाँ 2 से 2 विभाजित हो गए, बचा क्या? पाई आर गुणा आर। तो पाई आर को आर से गुणा करेंगे तो मतलब इनकी घातों का योग हो जाएगा, एक घात इसकी और एक घात इसकी, तो आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर।